एचआरटीसी को कोविड-19 संकट ने मुश्किल में डाल दिया है। एचआरटीसी को प्रदेश भर में अपने दिन भर के रूटों में कटौती करनी पड़ रही है। एचआरटीसी की आय में एक एक डिपो में प्रतिदिन लाखों की कमी आई है। वहीं आनी सब डिपो में कोविड-19 संकट के चलते 60 में से केवल 21 रूटों पर ही बसें दौड़ाई जा रही है। एचआरटीसी के आनी अड्डा इंचार्ज रमेश गुप्ता ने बताया कि दिन वाले अधिकांश रूट फिलहाल बंद करने पड़े हैं, खासकर जिन रूटों में कोई अतिरिक्त बस या निजी बस जा रही हो या जिन रूटों में सवारियों की बेहद कमी हो उनमें फिलहाल दूसरी बस नहीं भेजी जा रही है, जबकि सब डिपो में डीजल की कोई कमी नहीं है। जबकि शाम के सभी रूटों पर बसें नियमित तौर पर भेजी जा रही है। वहीं एचआरटीसी के रामपुर डिपो के आरएम गुरबचन सिंह ने बताया कि आनी सब डिपो में चरणबद्ध तरीके से रूटों को बढ़ाया जा रहा है। बुधवार से ही निथर रूट पर भी एक बस चला दी गई है। एप्पल न्यूज के लिए निथर से हितेश भारती की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स आनी सब डिपो में कोविड-19 संकट के चलते 60 में से 21 रूटों पर बसें चलाई जा रही है। दिन वाले अधिकांश रूट फिलहाल बंद किए गए हैं, खासकर जिन रूटों पर अतिरिक्त बस सेवा निजी बस सेवाएं जा रही है, जिन रूटों पर सवारियां बेहद कम हैं, उन रूटों पर दिन की बस सेवाएं नहीं भेजी जा रही है, जबकि शाम के 2-3 रूटों को छोड़कर सभी रूटों पर बस सेवाएं भेजी जा रही है, जबकि सब डिपो आने में डीजल की कोई कमी नहीं है। जैसे जैसे स्थिति सामान्य होती जाएगी चरणबद्ध तरीके से रूटों को बढ़ाया जाएगा।